नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। रसोई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कचौरी। सबसे पहले हम मूंग दाल को भिगोएंगे। आधा कप मूंग दाल को हम पानी डालकर भिगो देते हैं लगभग 4 घंटे के लिए। मैंने 1 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 2 कप मैदा ले सकते हैं। इसमें हम अजवाइन डालेंगे, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हम आटे और तेल को अच्छे से मिला लेंगे। मुझे लगता है तेल थोड़ा कम है, इसलिए हम थोड़ा सा तेल और लेंगे और उसको आटे में मसलते हुए मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम देखेंगे, एक मुट्ठी बनाएंगे। अगर मुट्ठी बन गई है तो इसका मतलब हमारे आटे में तेल काफ़ी है और हम धीरे धीरे पानी डालते हुए एक नरम आटा तैयार कर लेंगे। जिस तरह हम मूंग दाल की कचौरी बना रहे हैं, उसी तरह हम उड़द दाल की भी कचौरी बना सकते हैं। केवल मूंग दाल की बजाय हमको उड़द दाल को भिगोना है, बाकी सब तरीका सेम रहेगा। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को हम थोड़ा सा पानी लेके फिर से थोड़ा मस लेंगे ताकि वो थोड़ा और नरम हो जाए और थोड़ा नरम होने के बाद फिर हम इसके लोई बनाकर पेड़े बनाएंगे। ये देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से नरम हो गया है। इसकी एक लोई बनाएंगे। मैं आपको 5 कचौरियाँ बनाकर दिखाऊंगी, इसलिए हम 5 पेड़े ही बनाएंगे। पेड़े एकदम से गोल होने चाहिए, तभी हम इसमें अच्छे से दाल का पेड़ा भर पाएंगे और कचौरी अच्छी बनेगी। आप कचौरी का साइज़ थोड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए बनाना चाहें तो उनको छोटी कचौरी अच्छी लगेगी, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ये कचौरियाँ आप 4-5 दिन तक रख कर भी खा सकते हैं। ये हमारे 5 पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम अपनी कचौरी के लिए मसाला पीसेंगे। सूखे मसाले को रोस्ट करेंगे पहले। अब एक कढ़ाई हम गैस पर रखेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 4 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। इसको धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हाँ, ये एकदम अच्छे से भुन गया है। अब ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा मोटा पाउडर रखना है। अब हम दाल को पीसेंगे। हमने भीगी हुई दाल से पूरा पानी निकाल दिया है, क्योंकि अगर पानी होगा तो ये भूनने में बहुत समय लेगी। दाल को हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है। गैस ऑन करके हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और सबसे पहले 2 चुटकी हींग डालेंगे। हींग थोड़ा भुन जाएगी, उसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया था 2 चम्मच वो मसाला डालेंगे। देखिए हमारा मसाले का रंग कितना अच्छा आया है। और इसको मिला देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे, ये दाल को चिपकने से बचाएगा। बेसन को भी भून लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। इसको लगातार हिलाते रहेंगे। अब बेसन थोड़ा भून गया है, अब हम इसमें दाल मिलाएंगे।
पिसी हुई दाल को मसाले में डालकर अच्छे से मिलाना है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे। अब हमको इसको लगातार हिलाते हुए भूनना है एकदम धीमी आंच पर, ताकि ये जले भी नहीं और इसका जो सुगंध है, इसकी जो महक है वो अच्छे से आए। ये देखिए हमारी दाल और मसाला अच्छे से मिक्स हो गए हैं, दाल अच्छे से भुन गई है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। हमारी दाल तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच अमचूर और आधा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को वो मीठा स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। हमारी दाल ठंडी हो गई है। अब हम इसके गोले बना लेंगे। इस तरह हम मुट्ठी में लेकर दाल को इसके गोले बना लेंगे कचौरी में भरने के लिए। हम एक साथ सब गोले बनाकर रख लेंगे, ताकि हमको बाद में किसी में कम किसी में ज़्यादा ना हो। अब हम दाल को कचौरी में भरेंगे। पेड़े को हम कटोरी की तरह शेप देंगे और उसमें दाल की गोली रख देंगे और किनारों से बंद करते हुए बड़ी सावधानी से इसको बंद करेंगे, ताकि वो खुले नहीं। इसको अच्छे से बंद करना है, ध्यान से बंद करना है। जब पूरा बंद हो जाए फिर इसको हथेलियों से धीरे धीरे दबाते हुए फ्लैट करेंगे। आप चाहें तो हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल भी सकते हैं। ये देखिए हमारी कचौरी तैयार है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे, आंच को कम रखेंगे और तेल गर्म होने के बाद उसमें एक छोटी सी टिकिया डालेंगे आटे की। वो धीरे धीरे ऊपर आएगी, यानी हमारा तेल कचौरी तलने के लिए तैयार है। ये देखिए ऊपर आ गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम अपनी कचौरियाँ डालेंगे, एक और डालेंगे, एक और डालेंगे। इनको देखकर मुझे अपनी नानी की कहानी याद आ रही है। वो बोलती थी, काला तालाब सफ़ेद पानी, उसमें नाचे बुढ़िया रानी। काला तालाब यानी कड़ाही, सफ़ेद पानी यानी तेल, और जो पूरी या कचौरी है वो बुढ़िया रानी। तो कचौरियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं तैरते हुए। अब हम इनको पलट देंगे। हल्का सा रंग आ गया है इनके ऊपर गुलाबी। इसी तरह इनको पलटते पलटते इनको 8-10 मिनट लग जाएगा। ये देखिए हमारी कचौरी अब थोड़ा ब्राउन कलर आ गया अच्छे से। अब हम इनको निकाल लेंगे और ये हमारी कचौरी तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये कचौड़ियाँ चाय के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, पर आलू की सब्जी और रायते के साथ ये बहुत लाजवाब लगेंगे। आलू की सब्जी की रेसिपी के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।